Hello guys, so welcome back to the another video, and here I am going to explain you the detailed characteristics and the ecology, vegetative structure, reproduction type, and the what are the benefits of the members of Deuteromycetina in our day-to-day life. So this is your friend Bhushan Milmale, and let's start with another video. Okay guys, so Deuteromycetina, R.H. Whitaker, we all know that. Okay, R.H. Whitaker was the scientist who divided the entire organism into five kingdoms. Okay, what are those kingdoms? You know very well, and among them is the fungi. So among the fungi, जो बड़ा एक group है जिसको division phylum बोला गया है, वो हो गया अपना fungi. Okay, तो fungi के बहुत सारे division है, sub division है. So Deuteromycetina is one of the sub division of kingdom fungi. Okay, and the members of the Deuteromycetina are called as the Deuteromycetes. It is same for all, like the members of the Basidiomycetina are called as the Basidiomycetes and so on. Okay, so the important thing about the Deuteromycetina is they are called as the fungi imperfecti. Okay, look at this. This is imperfect fungi, or earlier it was known as the fungi imperfecti. Okay, fungi imperfecti. Why? Because you will come to know about that. Okay, so it is called a fungi imperfecti or imperfect fungi according to the latest literature, because it do not display the sexual reproduction. We didn't know about the sexual stages of those members. That's why they are included in the group known as the Deuteromycetina. Okay, so another one of the most important thing about the Deuteromycetina is it is the polyphyletic group. ये थोड़ी सी मुश्किल टर्म है, क्योंकि पॉलीफाइलेटिक का मतलब ये होता है कि उनको रखा तो एक ही ग्रुप में है, बट देयर ओरिजिन, वो उनका जो ओरिजिन है वो कहीं और से आया हुआ है. दैट्स वाई दे शोज मोर क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म इन अदर फाइला. लाइक जो Deuteromycetina के मेंबर्स है वो लाइक Basidiomycetina या फिर Ascomycetina के जो मेंबर्स, उनके साथ ज़्यादा सिमिलैरिटी शो कर सकते हैं. किसके कंपेरेटिव टू दी मेंबर्स ऑफ देयर ओन फाइला. मतलब Deuteromycetina है वो Deuteromycetina के मेंबर्स के अलावा दूसरे मेंबर्स के साथ ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द पॉलीफाइलेटिक. और क्योंकि ये दूसरे के साथ ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करता है, दैट्स वाई दे डू नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रू फाइला. और इसलिए उनको एक नाम दिया गया है जिसको क्या बोला गया है, फॉर्म फाइला. फॉर्म का मतलब होता है बनाया गया है, वो एक्चुअल में है नहीं, उसको लाइक ज़बरदस्ती बनाया गया है, वी कैन से लाइक दैट. ओके, और क्योंकि दे डू नॉट पजेस द सेक्शुअल स्ट्रक्चर, वो सेक्शुअल स्ट्रक्चर शो ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो वी डोंट नो द वेदर दे शोज और डू नॉट शोज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेस, इसलिए अपने को नहीं पता है. दैट्स वाई बाकियों के हिसाब से उनको कम वेल डिस्क्राइब किया गया है. लाइक जो फंजाई का जो कम्युनिटी एक लिटरेचर जो है उसमें Deuteromycetes के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है. ठीक है, Deuteromycetes फॉर्म करने का एक ब्रॉड एक जो टर्म था उसका सिर्फ एक ही था कि जो फंजाई, ऐसे फंजाई के फॉर्म्स जो सेक्सुअल स्टेजेस नहीं दिखा रहे उनको रख दो, एक सिमिलर किसी ग्रुप में रख दो, उसको नाम दे दिया Deuteromycetina. ओके, सो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है, मतलब जो जनरल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो इस ग्रुप में आते हैं उनका एक जनरलाइज अगर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखा जाए तो अपन बोल सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है वो टेरिस्ट्रियल है. टेरिस्ट्रियल यानी जो लैंड पे रहते हैं, ज़्यादातर लैंड पे रहते हैं, बस लाइक कुछ जो होंगे एक्सेप्शन, वन और टू और थ्री जो भी होंगे वो एक्वाटिक होंगे. ठीक है, एंड दे कैन बी सेप्रोफाइट और पैरासिटिक. सेप्रोफाइट का मतलब पता है अपने को, सेप्रोफाइट का मतलब होता है जो कि डेड एंड डिकेड मटेरियल पे ग्रो करते हैं, एंड द पैरासिटिक मीन्स जो लिविंग होस्ट पे ग्रो करते हैं. ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो कोई भी जो स्पोर है फंगस का वो लीफ के सरफेस पे आ गिरा,
लीफ की सरफेस पे आ गिरने के बाद वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा, यानी वो हाइफी ग्रो करना शुरू कर देगा। तो हाइफी ग्रो करेगा और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, मतलब स्टोमाटा के थ्रू अंदर जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो जो हाइफी है जो वो ग्रो करेंगे, कौन ग्रो करेंगे हाइफी? पैरासिटिक वाले लिविंग होस्ट पे जो ग्रो करेंगे, दैट हाइफी कैन बी इंट्रासेलुलर हाइफी और इंटरसेलुलर हाइफी। इंट्रासेलुलर हाइफी का मतलब क्या हो गया? जो सेल के अंदर है। और इंटरसेलुलर का मतलब क्या हो गया? जो दो सेल के बीच में है। वी विल डिस्कस दिस लेटर। ओके ओके, सो इनके जो माइसिलिया है, माइसिलिया यानी क्या है? हाइफी, जो एक हाइफी, एक थ्रेड जो है वो हाइफी हो गया, ठीक है। और मेनी ऑफ द हाइफीज कंसिस्टेंटली फॉर्म्स द माइसिलिया, ठीक है। तो माइसिलिया दे हैव, जो मेंबर्स है ड्यूटेरोमाइकोटिना के, वो कैसे है? उनका विजिबल माइसिलिया है जो अपन देख सकते हैं, और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस अपने को देखे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है? परफोरेटेड सेप्टा। माइसिलिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिनोसिटिक माइसिलिया होती है जिसमें किसी भी प्रकार का सेप्टा नहीं होता, एक सिंगल बिना किसी पार्टीशन के एक ही माइसिलियम होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे अपन सिनोसिटिक। उसको और एक वर्ड बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक माइसिलिया। और दूसरा होता है जिसमें पार्टीशंस होते हैं, उसको बोलते हैं अपन सेप्टेड माइसिलिया। तो सेप्टा तो है, लेकिन सेप्टा कैसा है? परफोरेटेड है, यानी उसमें छोटे छोटे या फिर किसी विशिष्ट प्रकार के छेद हो सकते हैं या फिर है, ठीक है। और क्या है? जो सेल से उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि दे शोज फ्यूजी अपीयरेंस। फ्यूजी अपीयरेंस का मतलब होता है, ये देखो ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसको बोल सकते हैं अपन फ्यूजी अपीयरेंस, ठीक है। तो इनके जो फॉर्म्स होते हैं, जो फॉर्म्स इसमें इंक्लूडेड है, वो इस प्रकार से अपीयरेंस दिखता है, उनकी मॉर्फोलॉजी इस प्रकार के दिखती है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था ना आपको, देखो ये क्या है? देखो इंटरसेलुलर, ये अच्छे से देखो, इंटरसेलुलर हाइफी। इंटरसेलुलर यानी देखो ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये दो सेल के बीच में से ये हाइफी जा रही है, ठीक है, ये हाइफी जा रही है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरसेलुलर, यानी दो सेल के बीच में से। और ये दूसरी देखो ये कैसे, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, लेकिन ये इस सेल के बीच में से जा रही है, देखो ये हाइफी ही है, बीच में से जा रहे, इसको इसलिए इसको बोला है इंट्रासेलुलर। जैसे इंटरनेशनल होता है ना, इंटरनेशनल यानी बिटवीन टू नेशंस, उसी प्रकार से इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम। ओके सो देखो, तो अपन अभी बोल रहे थे कि जैसे जिस किसी को भी सेक्सुअल स्टेजेस उसमें नहीं है, उन सबको ड्यूटेरोमाइकोटिना में डाल दिया गया है, ठीक है। बट ड्यूटेरोमाइकोटिना जो मेंबर्स है उनको अभी एक वर्ड यूज किया था जिसका मैंने मीनिंग क्या बताया था, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है। पॉलीफाइलेटिक यानी वो अलग अलग ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए उनको पॉलीफाइलेटिक बोला गया है, ठीक है। तो अगर मॉलिकुलर एनालिसिस करें, आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप है और उसके अकॉर्डिंगली अपन मॉलिकुलर लेवल पे एनालिसिस कर सकते हैं, यानी जो 16S RRNA होता है या फिर साइटोक्रोम B6, जो एक मतलब ये जो छोटे छोटे हैं जिनमें चेंजेस बहुत कम होते हैं, जो बहुत टाइम से तो आ रहे हैं लेकिन उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि ये बिलोंग्स टू दैट ओरिजिन, लाइक दोज टू ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम ओरिजिन। ये किससे बता सकते हैं? ऐसे किसी ऑर्गन से या फिर ऐसे किसी मॉलिक्यूल से जिसमें चेंजेस बहुत कम हैं, तो ऐसे चेंजेस अपन मॉलिकुलर एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो इस मॉलिकुलर एनालिसिस से पता चला है कि जो क्लोजेस्ट ग्रुप है, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज का क्लोजेस्ट ग्रुप है, वो कौन सा है? एस्कोमाइसिटीज, यानी इसके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर किसके साथ सिमिलरिटी शो करेंगे? द मेंबर्स विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। और क्या है जो अपने को पता है, एस्परजिलस नाम का एक फॉर्म अपन पढ़ते हैं, BSc में भी मेंशन है और सुना भी है कभी ना कभी, कि सभी ने ऐसा सुना है। तो एस्परजिलस जो है वो अभी रिसेंटली ये एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है, बट इट वॉज पहले इसको इनपरफेक्टाई फंजाई बोला गया था, यानी इसको पहले ड्यूटेरोमाइकोटिना में रखा गया था, लेकिन बाद में जब इसका एनालिसिस हुआ, बाद में इसकी स्टेजेस पता चली, तो उसको फिर वापस
एस्कोमाइसिटिस के साथ ज़्यादा सिमिलरिटी है तो उसमें उसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अभी फिलहाल ये इट इज़ द मेंबर ऑफ सब डिविजन एस्कोमाइकोटिना, ठीक है। देखो ये मैंने अभी जो बताया एस्परजिलस नाइगर जो है ये है, इसका अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फोटोग्राफ है जिसमें देखो ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये है इसका कोनिडिया, ठीक है। इससे इसके स्पोर निकलेंगे और ये इसका स्टॉक है और ये जो दिख रहा है तुमको ये इसका माइसिलियम है, ठीक है। देखो फिर ओके ये हो गया वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो अभी पहले से ही डिसाइडेड है, लाइक इट हैज़ नो सेक्सुअल स्टेजेस। अभी इसमें सेक्सुअल स्टेजेस के रिप्रोडक्शन के स्टेजेस पता नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कौन से रिप्रोडक्शन होगा इसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन ऑफ ड्यूटेरोमाइकोटा इज स्ट्रिक्टली, यानी ये दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, स्ट्रिक्टली असेक्सुअल, ठीक है। तो असेक्सुअल तो है लेकिन असेक्सुअल कैसा होगा, बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया कोनिडिया या फिर इसी को बोल सकते अपन कोनिडियोस्पोर, ठीक है। कोनिडिया के हेल्प से इसका रिप्रोडक्शन होता है जिसको बोला जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मियोसिस नहीं होता इसलिए इसको असेक्सुअल एसेक्सुअल स्टेजेस नहीं है इसमें, ऐसा आप ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो द ब्रांच, ये ब्रांच रहेंगी, द ब्रांच ये माइसिलिया है, ठीक है, या फिर हाइफी बोल पाएंगे। द ब्रांच विच ग्रोज फ्रॉम द हाइफी इरेक्ट ब्रांच ऑन विच द कोनिडियोस्पोर विल ग्रो एंड द ब्रांच इज कॉल्ड एज द, देखो ये एंड द ब्रांच इज कॉल्ड एज द कोनिडियोफोर, ठीक है। कोनिडियोफोर कहा जाता है ऐसी ब्रांच पे जिसके ऊपर कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर ग्रो होते हैं, ठीक है। कोनिडियोफोर क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये कोनिडियोफोर या तो जैसे इस डायग्राम में जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये जो कोनिडियोफोर है ये इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, बट इंस्टेड ऑफ दैट ये कोनिडियोस्पोर अलग अलग प्रकार के फ्रूटिंग बॉडीज भी फॉर्म कर सकते हैं, और मतलब लाइक अलग अलग जो इसके ऑर्डर से ड्यूटेरोमाइकोटिना एक सब डिविजन हो गया, उसके अगर लोअर हायरार्की पे जाए तो उसके अपने को ऑर्डर्स क्लास और एक्सेट्रा देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अलग अलग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली इसके जो फ्रूटिंग बॉडीज है जो फॉर्म करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कैसे फॉर्म हो रही है, कोनिडियोफोर एक साथ फ्यूज हो रहे हैं और फ्यूज होने के बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर अराइजेस एंड द स्ट्रक्चर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स जो विच बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, ओके, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सिनेमाटा हो गया, एसरविलाय हो गया या फिर स्पोरोडोकिया, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके जो हाइफी है, हाइफी कंबाइन हो सकते हैं। देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है लेकिन कुछ लेवल पर रिकॉम्बिनेशन है, क्यों, क्योंकि इसके हाइफी जो है अलग अलग हाइफी एक दूसरे के साथ फ्यूज कर सकते हैं और उसकी वजह से कुछ लिटल अमाउंट कुछ एक एक्सटेंड पे अपने को रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेक्सुअल, नाइदर कम्प्लीटली असेक्सुअल, दैट्स वाई दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज द पैरासेक्सुअलिटी। देखो पैरासेक्सुअलिटी बोल पाएंगे इसको, पैरासेक्सुअलिटी अभी मतलब इसके अलावा अपन बैक्टीरिया में भी देख सकते हैं, अपने को पता है, ठीक है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नोन टू बिटवीन डिफरेंट न्यूक्लियस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कुछ लेवल पे हो सकता है, ठीक है। हो गया, ये हो गया रिप्रोडक्शन। तो अब देखते हैं उसके कुछ फायदे भी है, फायदे या फिर नुकसान जो भी हो, लेकिन हाउ इट इंटरैक्ट और हाउ इट अफेक्ट्स अवर लाइफ डे टू डे लाइफ। सो इट हैज़ अ ह्यूज लार्ज इम्पैक्ट ऑन एवरी डे लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कैसे कैसे हो सकता है इट देखो द फूड इंडस्ट्री रिलाइज ऑन द राइपनिंग ऑफ सम चीज। देखो कुछ चीज़ें चीज जो है उनका राइपनिंग के लिए ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर्स का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि जो ब्लू वेन्स इन द रॉकफोर्ट चीज, ये चीज का प्रकार है समझ लो। बहुत सारे लोगों ने नहीं सुन रखा होगा, कोई बात नहीं है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, तुमको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। जो रॉकफोर्ट चीज़ या फिर व्हाइट क्रस्ट ऑन दी कैमेम्बर्ट जो चीज़ है, ये सब जो है वो फंगल ग्रोथ की वजह से है, और कौन से मेंबर्स हैं, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज है जिसकी वजह से ये ग्रोथ या फिर ये चीज़ की जो राइपनिंग है वो हो रही है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे पहली जो
एंटीबायोटिक जो ग्रो हुई थी वो कैसे हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर जी उन्होंने क्या किया था, मतलब इट वॉज एन एक्सीडेंट ओके, क्योंकि वो ओवरग्रोथ हो गई थी किसी पेट्री प्लेट में, एक ओवरग्रोथ हो गई थी ये फंगस की, तो उसकी वजह से वहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहे थे। तो इस प्रकार से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को वो ध्यान में आया और फिर उन्होंने सोचा कि फंजाई प्रोड्यूसेस सम टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, सम टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइक स्टॉपिंग, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, और इसीलिए उनको नाम दिया गया है, उस एंटीबायोटिक्स का नाम दिया गया है उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का नाम दिया गया है एंटीबायोटिक ओके ठीक है। और उसके अलावा ये तो दो, ये जो फर्स्ट टू थी ये फायदे वाली बात होगी, लेकिन थर्ड जो है वो नुकसान वाली बात है, क्योंकि ये जो इम्परफेक्ट वाली मतलब जो फंजाई है वो क्या है, पैरासिटिक है, मैंने बताया था शुरू में पैरासिटिक है, तो इसका मतलब ये किसी होस्ट पे ग्रो करेंगे, तो अगर ये ऐसे होस्ट पे ग्रो हुए तो दे आर फॉर्म अ डिजीज कॉज करेंगे वो पर्टिकुलर ट्रीज को ठीक है। उसके भी एग्जांपल है अपन देखेंगे, देखो ठीक है, ये है अपना कैमेम्बर्ड चीज, ये जो तुम देख रहे हो ये है कैमेम्बर्ड चीज, चीज का एक प्रकार है ठीक है ओके। तो इसके ऊपर जो व्हाइट रस्ट तुमको दिख रही है, जो व्हाइट रस्ट दिख रही है, दैट व्हाइट रस्ट इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटिस दैट इज पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, कैमेम्बर्टी के अकॉर्डिंगली उस चीज का नाम दिया गया है ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, द पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी इज द स्पेसिस ऑफ अ फंगस इन द जीनस पेनिसिलियम, इट इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ द व्हाइट क्रस्ट ऑन कैमेम्बर चीज ठीक है बच्चों ओके। अनदर वन इज द रॉकफोर्ड चीज, इट इज अनदर टाइप ऑफ चीज। तो इस चीज पे जो तुम ब्लू लाइन्स देख पा रहे हो, दैट ब्लू लाइन्स इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम, इसकी वजह से पेनिसिलियम रॉकफोर्ड टी, देखो पेनिसिलियम कॉज्ड बाय द पेनिसिलियम रॉकफोर्ड टी फंगस जो है वो ग्रो हो रहा है, अनदर मेंबर ऑफ किसका मेंबर है ये पेनिसिलियम का ठीक है। तो पेनिसिलियम की स्पीसीज है, उसकी वजह से ये जो ग्रोथ है, जो ब्लू वेंस है वो अपने को दिखे रहे हैं ठीक है। और देखो ये जो पेनिसिलिन सबसे पहला जो एंटीबायोटिक ढूंढ निकाला था वो भी इसी पेनिसिलियम नोटेटम या फिर पेनिसिलियम क्राइजोजेनम की वजह से ढूंढ मतलब अपने को मिला था ठीक है। ये वहाँ पे उस प्लेट में ग्रो हुए थे और दे आर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच वी यूज एज अ एंटीबायोटिक ठीक है ओके। और इसके अलावा जो लास्ट है देखो, ये पैथोजन का भी काम करते हैं, पैरासिट के फॉर्म में ये ग्रो होंगे, उसके हाइफी अंदर जाएंगी, न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिशन कैसे आप एब्सॉर्ब करते हैं, अगर मान लो वो इंटर सेलुलर हाइफी है यानी वो सेल के अंदर नहीं जा रही है, तो दिस विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, तो उस स्ट्रक्चर को बोला गया है हॉस्टोडिया ठीक है। हॉस्टोडिया की हेल्प से वो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेंगे ठीक है। तो ये जो पैथोजन है, ये जो दिख रहा है, ये है अर्ली ब्लाइट, इस डिसीज का नाम है अर्ली ब्लाइट, एंड दिस इज कॉज्ड बाय द वन ऑफ द मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइक्रिना दैट इज अल्टरनेरिया ठीक है। अल्टरनेरिया की वजह से पोटैटो का लीफ है, पोटैटो के लीफ पे ये डिसीज कॉज है। और ये है दूसरा डिसीज जिसको बोलते हैं टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट, बिकॉज ऑफ दिस स्पॉट्स लुक लाइक अ टिक्का, एंड इसकी वजह से ये ग्राउंड नट के लीफ है और ये कॉज होते हैं सर्कोस्पेरा परसोनाटा की वजह से, उसकी वजह से वो भी एक पेनिस अपना ड्यूटेरोमाइक्रिना का मेंबर है, इसीलिए ये जो दो है वो पैथोजेनिक है यानी डिसीज कॉज करते ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ड्यूटेरोमाइक्रिना इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ ओके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस।